आज हम बनाएंगे चीज़ी मसाला डोसा। डोसे की स्टफिंग के लिए हमें 2 चम्मच तेल गरम करना है, उसमें थोड़ा सा राई डालना है, थोड़ा सा जीरा डालना है, 3 से 4 हरी मिर्च आप इसे बारीक काट सकते हो, 2 लाल सूखी मिर्च। इसे अच्छे से हम भून लेंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और डालेंगे हम थोड़ा सा हींग और प्याज। प्याज को मैंने बारीक कट किया है, आप उसे रफली भी चॉप कर सकते हो। 1 चम्मच रोस्टेड चने की दाल डाली है मैंने, थोड़ी सी उड़द दाल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाली है और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी शक्कर डाली है, शक्कर आप स्किप कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा स्वीट थोड़ा सा तीखा टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अब चाहो तो इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे मैश उबले हुए आलू और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालना है। बिल्कुल तैयार है हमारा मसालेदार स्टफिंग। हमें लगेगा थोड़ा सा डोसा बैटर। क्रिस्पी डोसा बैटर बनाने की रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने डोसा बैटर को फ्रिज में रखा है तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर आने पर ही इसे डोसा बनाइए, नहीं तो फिर डोसा बराबर नहीं बनेगा। डोसा बनाते समय हम डालेंगे थोड़ा सा बटर या फिर घी और थोड़ा सा शेजवान सॉस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और आपके पास अगर चीज़ स्प्रेड हो या फिर चीज़ हो तो वो आप इस समय डाल सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा मसालेदार पोटैटो स्टफिंग, फिर हम डालेंगे इसमें चीज़। बिल्कुल रेडी है हमारा चीज़ी मसाला डोसा। ये डोसा एकदम फुल ऑफ फ्लेवर्स है, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा स्पाइसी और चीज़ी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।